बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदो व या कनस्ताई। मेरे पाकिस्तानियों, अभी हम मीटिंग करके चुके हैं जो कोरोना वायरस की, जो हम हर रोज़ हमारी मीटिंग होती है, और मीटिंग कौन सी होती है उसके अंदर हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स दुनिया की पहले देखते हैं कि दुनिया में किस तरह वायरस फैल रहा है, कई मुल्कों में ऊपर जा रहा है, कई में नीचे आ रहा है। पाकिस्तान का पूरा डेटा कि हमारे मुल्क में वायरस किस तरफ जा रही है, कितनी अमवात हो रही हैं, हॉस्पिटल में कितने बेड्स रह गए हैं, इंटेंसिव बेड्स पे कितने हैं या वेंटिलेटर पे कितने हैं, ऑक्सीजन के बेड्स पे कितने हैं, और ये फिर प्रोजेक्शन आगे की भी करते हैं कि किस तरफ जा रही है अब ये कोरोना वायरस। तो मैं जो आज आपसे बात करूँगा, आपने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, और वो इसलिए सुननी है कि अब हमारे ऊपर है, हम लोगों पे है, आप सब पे है, कि अगर हम अब एहतियात कर लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। पहले तो एक चीज़ समझें कि जो मैं ये भी आपको बार बार ये मैं बात करता रहता हूँ कि जब लॉकडाउन करता है एक मुल्क, तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस तेज़ी से कोरोना वायरस एक मुल्क में फैलती है, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो वो उसका जो जो फैलाव है, जिस तेज़ी से वो फैलना चाहिए, वो कम हो जाता है, क्योंकि जिधर जिधर लोग जमा होते हैं वहाँ तेज़ी से फैल जाती है। जब आप लोगों का जमा होना बंद करते हैं और लोगों का बाहर निकलना बंद करते हैं, तो वो स्लो डाउन हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। अब हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की वजह से हम आपको सबको पता है, और ख़ास तौर पर जो मेरे जो मेहनत कश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, सबको पता है कि एक बड़ा मुश्किल वक्त से लोग गुजरे हैं। बेरोज़गारी की इंतहा है, और जो दिहाड़ीदार हैं उनके घरों में भूख है। मुश्किलों से हमने जो, और अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा पैसा बड़े कम वक्त में बड़े लोगों को एक शफाफ तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से वो मसले नहीं लोगों के आए जो कि और दुनिया के अंदर आ रहे हैं और गरीब मुल्कों के अंदर आ रहे हैं। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया, क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकडाउन के जो असरात आपकी माशियत पर पड़ते हैं, जो लोगों पर पड़ते हैं, जो बेरोज़गारी होती है, जो और गरीब मुल्कों में जो भूख होती है, जो गुर्बत बढ़ जाती है। अब कोई भी दुनिया का मुल्क जिधर बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में जिधर 1 लाख लोग से ज़्यादा कोरोना में मर चुके हैं, उधर भी उन्होंने, आप देख रहे होंगे टीवी पे भी आप देखते होंगे कि मुल्क खोल दिया उन्होंने SOPs के साथ। SOPs का मतलब ये कि उन्होंने फिर भी कहा हम मजबूरी में मुल्क खोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम खोलेंगे तो ये फैलना शुरू कर देगी फिर से ये वायरस। लिहाजा ये SOPs हैं कि इन शरायत, इन कंडीशंस के पे आप चल के तो अपनी बिजनेस भी करें, लेकिन इन कंडीशंस पे चलें, इससे आहिस्ता फैलेगी। सारी जो इस वक्त हमारी जो जदोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेज़ी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, हमें पता है कि दुनिया में ट्रेंड यह है कि कोरोना फैलती जाती है, फिर एक पीक करती है, फिर वो नीचे आनी शुरू हो जाती है। अब हमारा पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेज़ी से ऊपर ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, हमारे जो इंटेंसिव केयर के बेड्स हैं, जिधर वेंटिलेटर है, जिधर ऑक्सीजन है, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसलिए कोशिश कर, पहले लॉकडाउन की भी यही कोशिश थी, और आप SOPs की भी ये कोशिश है कि अगर आप SOPs पे अमल करेंगे तो वो तेज़ी से ऊपर नहीं जाएंगे केसेस, ताकि
हमारे अस्पतालों में प्रेशर ना पड़े। तो मैं जो आज आपसे आपके सामने आया हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आज हमने बैठ के पूरी अपनी कैलकुलेशंस की हैं, अब जिस जिधर से आगे पाकिस्तान जाएगा, अगर हम एहतियात करेंगे, अगर हम SOPs पे चलेंगे, तो इंशाल्लाह हम इसको मैनेज कर लेंगे। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब हमारी पूरा जो चैलेंज वो ये है कि अब से लेके जुलाई के आखिर तक हम कोशिश करें कि जब भी हम कारोबार कर रहे हैं, मजबूरी है, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों के घरों में भूख है, तो इसलिए हमने कारोबार भी करना है, लेकिन SOPs के ऊपर मैं आज आपको अपील कर रहा हूँ कि अपने लिए आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे, कई लोग बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, इनकी जाने खतरे में है। अगर उनको कोरोना होता है तो ये जो बुज़ुर्ग हैं और ये जो ख़ास तौर पे जिनको ये दो बीमारियाँ हैं, उनके लिए ख़तरा है, क्योंकि आम लोगों के लिए ख़तरा नहीं है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि लोग, हम जितना मर्ज़ी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। तो आज मैं सबको आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने इसी तरह बेएहतियाती की, हम अपने ऊपर, अपने बुज़ुर्गों के ऊपर, वो लोग जिनकी बीमारियाँ, जिनकी जानों खतरों में जा सकती, हम सब की ज़िंदगी, उन लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहनें, ये आप सब के लिए ज़रूरी इसलिए कि ये अब साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जितनी तेज़ी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो आप सब मास्क पहन के निकलें। दूसरी चीज़, जब पब्लिक में जाते हैं तो हमने बड़े तफसील में हर शोबे के अंदर हमने SOPs दिए हुए हैं कि इसके मुताबिक आप फंक्शन कर सकते हैं। इसको सीरियसली लें, संजीदगी से इसको लें, क्योंकि मैं फिर से दोहराता हूँ, हम अपने ऊपर मुश्किल डालेंगे अगर हमने ये अभी एहतियात ना की। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी महीने में 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर, अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुँचा देंगे। इसके ऊपर आज ही हमने फैसला किया, काम तो पहले से हो रहा था, ताकि ये जो प्रेशर पड़ा हुआ है, लोग की दफ़ा घबरा जाते हैं कि बेड्स नहीं हैं, वो इंशाल्लाह 1000 और बेड्स हम सारे पाकिस्तान में ले आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने वो जो ऐप, एक वेबसाइट सारी जगह पे उसको पब्लिसाइज किया हुआ है, वो उस वेबसाइट में हर शहर में जब प्रेशर पड़ता है कि जी आप किसी को ICU का बेड चाहिए जिसमें, या वेंटिलेटर हो या ऑक्सीजन हो, तो ये वेबसाइट के ऊपर सारे मुल्क में पता चल जाएगा कि कौन से शहर में कितने बेड्स अवेलेबल हैं। हाँ, और ये जो ऐप का नाम है, ये जो वेबसाइट है, इसका नाम है पाक निगेबान। ये वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, इस वेबसाइट के ऊपर, और उससे आपको पता चल जाएगा हर शहर में कितने बेड्स अवेलेबल हैं। और जिस तरह मैंने कहा, इंशाल्लाह 1000 और ICU के बेड्स इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर हम और लेके आ रहे हैं। मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब इसको वो तवज्जो देंगे, उसको उतनी संजीदगी से ये SOPs को फॉलो करेंगे, और अपने मुल्क को वो मुश्किल वक्त से बचाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि बाहर के मुल्कों में किस तरह के मुश्किल वक्त हैं। आज भी ब्राज़ील जैसे मुल्क में 1500 लोग एक दिन के अंदर मर रहे हैं इससे। अमेरिका के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग एक दिन में मरते हैं, जितने हमारे 3 महीने में नहीं मरे उनके 1 महीने में मरते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ जिस तरह का उनका स्प्रेड हुआ, तो वो अल्लाह ने हमें बचाया हुआ उससे, और अगर हमने एहतियात ना की, खुदा ना खास्ता
हमने एहतियात ना की, SOPs पे ना चले, तो हमारे भी इस तरह का बुरा वक्त आ सकता है जिस तरह आज ब्राज़ील में है और जिस तरह यूरोप में आया था, जिस तरह अमेरिका में। और इंशाल्लाह अगर हमने एहतियात कर ली तो हम समझते हैं कि जब तक पीक इसकी जुलाई के आखिर में अगस्त में जब आएगी तो इंशाल्लाह तब तक जो हमारा मौजूदा अस्पतालों का सिस्टम है, जो हमारे बेड्स हैं, इंशाल्लाह हम इसको सह लेंगे, इस मुश्किल वक्त को। शुक्रिया पाकिस्तान, पाइंदाबाद।